निजामाबाद में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। निजामाबाद राजस्थानी ब्राह्मण समाज एवं राजस्थानी ब्राह्मण युवा मंच के तत्वाधान में परशुराम जयंती महोत्सव राजस्थान भवन में शुक्रवार को प्रातः 1 बजे मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जुगल किशोर गौड़ ने भगवान परशुराम का पूजन आरती गोपाल महाराज के सानिध्य में किया। उसके बाद विराट सभा का आयोजन हुआ। अध्यापक अशोक दायमा ने स्वागत भाषण में पधारे हुए अतिथियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। समाज को भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलना सिखाया और कहा, मंत्री जुगल किशोर पांडे परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। हम सभी की पहचान परशुराम जी से है, संगठन में शक्ति है। कहा युवा मन संचालक किशोर तिवारी ने कहा, आज हजारों वर्ष बाद भी हम परशुराम जी को याद कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा की। आज समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर समाज सेवा करने की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि जुगल किशोर गौड़ ने सभी को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। ब्राह्मण सदा ही पूजनीय रहा है। ब्राह्मण निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है, सनातन धर्म की रक्षा करता है। समाज के विशिष्ट जनों भगवान नागला, घनश्याम व्यास, दामोदर जोशी, प्रवीण जी व्यास, तेजमल जी पांडे, वल्लभ सारडा, श्याम सुंदर अग्रवाल, राजेश जी डालिया ने मन से अपना संबोधन किया। मुख्य अतिथि जुगल किशोर गौड़ का शॉल और पुष्पमाला स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। भीलवाड़ा से प्रचार में पधारी अखिल भारतीय पुष्कर सिखवाल महासभा के अध्यक्ष तेजमल जी का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक दिनेश कुमार पांडे, उपसंयोजक नितिन दायमा, मनमोहन उपाध्याय और कार्यक्रम राजस्थानी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी मंच पर, उपाध्यक्ष सत्यनारायण नागला, उपमंत्री अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश पुरोहित, राजस्थानी ब्राह्मण युवा मंच के अध्यक्ष रोशन लाल बोहरा, उपाध्यक्ष पवन कुमार उपाध्याय, मंत्री उदय उपाध्याय, उपमंत्री सीए शुभम दायमा, कोषाध्यक्ष रामजीवन व्यास, संरक्षक सीताराम पांडे, घनश्याम व्यास, उपसंचालक अनिल उपाध्याय, कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण व्यास, महावीर दायमा, पवन गोड, राजेश व्यास, श्याम जोशी, मुकेश शर्मा, विकास व्यास, तरुण उपाध्याय, नितेश जोशी। मंच का सफल संचालन रामजीवन व्यास ने किया। संयोजक दिनेश पांडे ने आभार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसके बाद अल्पाहार की भी योजना की गई। तेलंगाना निजामाबाद, नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। आज के चलना है। देश की उन्नति में
अपना सहयोग प्रदान कर दे। संगठन में ही शक्ति है। आज देश में स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज सभी को ये वामपंथी विचारधारा के लोग बहुत ही हमला कर रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर। इसलिए आज हमें ब्राह्मण समाज और सभी स्वर्ण समाज को एक रहकर इन शक्तियों से लड़ने की आवश्यकता है। ये वामपंथी शक्तियां इनसे लड़ने की बहुत बहुत आवश्यकता है। इतना कहकर मैं इसका ध्यान करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे दिखते हैं और एक दिन चिंता में अपने मुख्य मंत्री का जीवन पंच है। राजस्थान ब्राह्मण समाज के मंत्री श्री उद्धव पांडे से निवेदन करता हूँ कि आज के मुख्य मंत्री का जीवन पंच प्रस्तुत करें। आज के समारोह राजस्थान ग्रामीण अध्यक्ष अशोक कुमार सभी अधिकारी गण पधारे हुए अतिथिगण स्वागत बंधु सर्वप्रथम मैं आप सभी का भगवान लाल श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें शुद्ध बुद्धि ज्ञान भक्ति वरदान प्रदान करें। हम हमारा कर्तव्य है उनके बताने हुए मार्ग पर चलकर सनातन धर्म की रक्षा करें और देश की उन्नति में अपना हार्दिक सहयोग करें। आज मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित कर मेरा जो गौरव बनाया है इसके लिए राजस्थानी ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं के विचारों के साथ मैं अपना विचार विराम देता हूँ। परशुराम भगवान की जय। अब मैं ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी उससे निवेदन करता हूँ कि वे आज के मुख्य अतिथि को सुमंत्री जी के शान से सम्मानित करें। परशुराम भगवान की जयकार कर रामचंद्र की जय। श्री राम। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान मुख्यमंत्री और सभा में पधारे हुए सभी अतिथिगण एवं मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन महान है क्योंकि आज परशुराम जी जयंती भी है और अक्षय तृतीया भी है। इसलिए हम बड़े उल्लास के साथ ये पर्व मनाते हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज भी हम इतने वर्षों के बाद भी परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, श्री राम जी को याद कर रहे हैं। इसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। वो निस्वार्थ रूप से कुछ काम करे होंगे, इसीलिए हम आज का अभिवादन भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं और याद भी करते हैं। क्यों? इतने वर्षों के बाद न वो हमारे सगे थे, न हमारे कुल से है, न हमारे बड़े थे। परशुराम जी हमारे कुल के अलग बात है, लेकिन सभी कुल वाले राम जी की भी पूजा करते हैं। क्योंकि निस्वार्थ भाव से राम जी ने देश की सेवा की और अपने जीवन को सफल किया। आज हमारे बीच सभी लोग ये पढ़ ले कि हम अपने आप को निस्वार्थ भाव से देश के लिए समर्पित करेंगे, अपने आप को समाज के लिए समर्पित करेंगे, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर दो कमजोरियां होती है, एक तो उसका अहंकार, एक दूसरा स्वार्थ। अहंकार होता है वो किसी को मानने नहीं देता, किसी के सामने झुकने नहीं देता। अहंकार ही अपने उन्नति में बाधा डालता है। स्वार्थ ही मनुष्य को हर भूतन हो
की हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री जुगल किशोर जी गौरगा में जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माननीय श्री जुगल किशोर जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के सतनावड़ा गांव में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा नागौर शहर में हुई, इसके बाद आप रोजगार के अवसर को तलाशते हुए निजामा शहर पहुंचे। आपका विवाह सन 1982 में श्रीमती पूना देवी के साथ संपन्न हुआ। आपको चार पुत्र है। आप विगत 30 वर्षों तक हलवाई के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। गत 10 वर्षों से आप निजामाबाद शहर के गौतम नगर एवं न्यालगढ़ रोड पर सालासर बिल्डिंग कंपनी के नाम से प्रतिष्ठान संचालित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप अपने व्यापार के साथ साथ सभा सभाओं में सक्रिय रहते हुए शहर के 9 हनुमान मंदिरों में वर्ष भर शीतल जनशाला एवं अन्य रखरखाव के कार्यक्रम भी अपने खर्चे से देख रहे हैं। इसके साथ प्रत्येक गणेश उत्सव में गौतम नगर से अपने प्रतिष्ठान के सामने भंडारे का भव्य आयोजन भी आपके द्वारा करवाया जाता है। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको एवं आपके परिवार सदस्यों को ईश्वर दीर्घायु एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। धन्यवाद। आशीष अभी राजस्थान के ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण, हजारे हुए अतिथिगणों और स्वजाति बंधुओं, आज बड़े गर्व की बात है कि आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। संपूर्ण भारत में बड़े ही उत्साह के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज हम निजामाबाद में भी ब्राह्मण समाज की ओर से जो आयोजन कर रहे हैं, बड़े ही हर्ष की बात है। इस अवसर में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और अपने विचारों को विराम देता हूँ। अब मैं श्रीमान श्री बल्लभ जी सारा से निवेदन करता हूँ कि अपने विचार व्यक्त करें। अभी राजस्थान के ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण, हजारे हुए अतिथिगणों और स्वजाति बंधुओं, आज बड़े गर्व की बात है कि आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। संपूर्ण भारत में बड़े ही उत्साह के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज हम निजामाबाद में भी ब्राह्मण समाज की ओर से जो आयोजन कर रहे हैं, बड़े ही हर्ष की बात है। इस अवसर में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और अपने विचारों को याद देता हूँ। अपने श्रीमान श्री बल्लभ जी सारा से निवेदन करता हूँ कि अपने विचार व्यक्त करें। इसके पश्चात मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्रीमान जुगल किशोर जी गौर और सभी सम्मानीय पदाधिकारी, विशेष रूप से यहाँ पर आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए गए सिंधवाड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान तेजमल जी शर्मा पधारे हैं, उनको मैं विशेष याद करना चाहूंगा जो सामने बैठे हैं। और सभी राजस्थानी समाज के बंधुगणों, आज भगवान परशुराम की जयंती हम मना रहे हैं। सम्मिलित रूप से साथ साथ अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। आज के इस पावन मुहूर्त पर आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठों को उपस्थित जनों को मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि आप स्वयं विद्वान हो सभी, हमें परशुराम जी को याद करते हुए उनके कार्यों को सदैव याद रखना चाहिए। आज यह प्रासंगिक है, उन्होंने अधर्म को मिटाने के लिए अपने ज्ञान के साथ साथ शस्त्र और अस्त्र का भी प्रयोग किया था और धरती से 21 बार अधर्म को मिटाया, या हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज अधर्म किस प्रकार से बढ़ाया है यह हम सभी जानते हैं। चुनाव के इस पर्व पर परशुराम जयंती का महोत्सव आया है, तो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, श्री राम मंदिर की रक्षा के लिए और हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमें किसे चुनना है, किसे विजयी करकर इस राष्ट्र को अक्षुण्य रखना है, यह सर्वविदित है। चुनाव की मर्यादा है, इस कारण में नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, जो राम को लाए हैं
कहते हैं कि हम राम मंदिर निकाल देंगे, हटा देंगे, जिस प्रकार से एक नेचर को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए शाहबानों का केस सुप्रीम कोर्ट का परिवर्तित कर दिया था संविधान में संशोधन करके, ऐसी बात हमारे सनातन द्रोही लोग कहते हैं कि हम राम मंदिर को भी हटा देंगे, पुनश्च बागड़ी को लाएंगे। तो मैंने अभी किसी का नाम लिया नहीं है, आप सभी को मालूम है। तो परशुराम जयंती के अवसर पर मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा कि आपातकाल का समय है, हमारे लिए आने वाला जो समय है बड़ा ही कठिन है। भले ही सरकार राम भक्तों की आ जाए उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके बाद भी आने वाले इन सालों में जो है आपातकाल होगा, एनआरसी होगी, जगह जगह खून खराबा होगा। हमारे बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए हमें परशुराम का शांति से निर्माण करना होगा। केवल हमारी दो संतानें या ज्यादा से ज्यादा तीन संतानें आज घरों में है, हम उन्हें किस प्रकार से बचाएंगे सनातन के रूप में, ये विचारणीय है। धंधे पानी व्यवसाय तो सभी होते रहेंगे, अरबपति खरबपति सिंध से मिल गए, जम्मू से कश्मीर से मिल गए, बंगाल से मिल रहे हैं। ऐसे में हम सभी यहां बैठे हुए ब्राह्मण संकल्प करें कि हमें परशुराम का क्षात्र देश निर्मित कर पुनश्च सनातन धर्म की पताका इस भारत भूमि पर लहराना है। इसीलिए मैं आपको आह्वान करता हूं और मुझे संयोजकों ने जो दो शब्द बोलने का अवसर दिया है मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय परशुराम, बोल परशुराम भगवान की, बोल सत्य सनातन धर्म की, धर्म की और धर्म का हिंदुओं में, हिंदुओं में। धन्यवाद सर। हम लोग आज के इस श्री भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर श्री जुगल किशोर जी द्वारा मंच और यहाँ पर पधारे हुए सभी समाज के बंधुओं, मैं सर्वप्रथम सभी को श्री भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और परशुराम भगवान सत्य कृपा रखें, इसी सभी समाज के बंधुगण, पधारे हुए नगरवासियों, सभी को मैं परशुराम जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान परशुराम जी के आदर्शों पर चलकर अपना जीवन भी सफल बनाए। प्रतिवर्षानुसार लगभग पिछले दो तीन सालों से ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण युवाओं द्वारा परशुराम जयंती काफी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसके लिए भी मैं समाज के बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमें सबको बुलाकर इतना मान देते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार परशुराम जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं सबको विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय परशुराम जी। उपस्थित सभी भाइयों और आदरणीय मंच, आज परशुराम जयंती के साथ साथ अक्षय तृतीया भी है, तो आज सब माल खरीदने जाएंगे, सबकी टाइम भी हो रही, तो मुहूर्त के हिसाब से अपना अपना माल खरीदो की साल भर का अक्षय अच्छे रहे, जैसे परशुराम जी का वर्षा था वो भी अक्षय था, तो उन्होंने ध्यान लेकिन बार छत्रियों का नाश किया, वो क्षत्रिय कौन थे वो स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन अभी जो क्षत्रिय है कि अपने मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं अलग अलग लोगों में से, अलग अलग लोगों में के विचार होते हैं, उन विचारों का नाश करने के लिए परशुराम जी के क्षत्रिय वर्षे को याद रखें। और साथ ही राजस्थानी ब्राह्मण समाज और राजस्थानी ब्राह्मण युवा मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लगभग पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ है, तो मैं इस कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ
साथ ही आप सभी उपस्थित सज्जनों को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय तेलंगाना। अब मैं समाज की शांति में जगह से निवेदन करता हूं कि अपने विचार व्यक्त करें।